क्योंकि ये दूसरी बड़ी खबर इस बात की तरफ आपको लेकर जाएगी कि खत्म हो गई है टीम इंडिया की टेंशन, लेकिन क्या वाकई में जो 15 यानी कि जो फाइनल 15 चुने गए हैं टीम इंडिया के लिए, क्या ये टीम के बैलेंस को बेहतर बना रहे हैं? फटाफट जरा टीम पे नजर डाल लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये वो 15 खिलाड़ी हैं जो बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुए, हम 15 तारीख तक का इंतजार कर रहे थे लेकिन सेलेक्टर्स ने पहले ही घोषणा कर दी। रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, राहुल चहर, भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर, यानी कि अक्षर पटेल की जगह शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया। सभा भाई, आपके पीछे वो जरूर छुप रहे हैं लेकिन अपने प्रदर्शन की वजह से मुझे लग रहा है वो आ गए हैं सबके सामने, लेकिन थोड़ा आपको चौंकाया, पेसर्स के लिए आप हमेशा कह रहे थे, जब भी हम बात कर रहे थे सभा भाई से कि क्या चेंज होना चाहिए तो हमेशा कहते थे कि एक पेसर चाहिए टीम को, अब सभा भाई पेसर तो आया लेकिन एक ऐसे गेंदबाज की जगह जो इस टूर्नामेंट में आईपीएल फेज टू में सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। थोड़ा हार्श जरूर है पर मुझे लगता है कि इसके पीछे दो कारण है जी। एक तो कारण यह है कि आप के चयन करता हूं, ये डिसाइड किया है कि जो उनके स्टैंडर्ड में खिलाड़ी हैं जी, उन्हीं में से एक को अंदर रखा जाएगा। नंबर दो ये बात है कि जो चार स्पिनर्स हैं, जो पांच स्पिनर्स हैं, उनमें चारों जो स्पिनर्स को रखा गया इस समय टीम में वो सब अलग प्रकार के स्पिनर हैं, सिर्फ अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ही लाइक टू लाइक स्पिनर थे, इसी वजह से वहाँ पर यह बड़ा ही टफ कॉल लेना पड़ा है चयनकर्ताओं को। पर मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर का आना वाजिब है क्योंकि ये एक प्रकार के बैकअप हैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या के लिए भी। हो सकता है कि जो पहला मैच शुरू हो यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को मौका मिले हार्दिक पांड्या की जगह पे, क्योंकि भारत के को छठे बॉलर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप दो स्पिनर के साथ भी जा रहे हैं या तीन स्पिनर के साथ भी जा रहे हैं तो आपको एक और ऑलराउंडर चाहिए होगा जो नंबर 6 नंबर 7 पर आकर बल्लेबाजी कर सके। तो हो सकता है जडेजा नंबर 6 पर आए और नंबर 7 पर हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर को खेलने का मौका मिले। चलिए हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। राजकुमार जी, पहला सवाल तो मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्या ये विराट की डिमांड थी कि एक तेज गेंदबाज जो बल्लेबाजी अच्छी कर लेता हो उसको टीम में जगह दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी सिलेक्शन हुआ वहां पर तब कहा गया कि सिलेक्टर्स ने पांच स्पिनर इसलिए चुने हैं कि शारजा यूएई में बात करें, दुबई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, टर्निंग ट्रैक्स मिलेंगे, लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि आपने सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे गेंदबाज को ड्रॉप करके शार्दुल ठाकुर को खिलाया? देखिए राजीव, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या का बैकअप है, कि अगर कहीं हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते हैं तो शार्दुल ठाकुर एक उनके रिप्लेसमेंट होंगे। और जैसा कि अभी सभा ने भी कहा कि दो हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे और रविंद्र जडेजा बीइंग अ सीनियर प्रो और बेहद शानदार प्रदर्शन रहा है अक्षर का, लेकिन फिर भी एक टफ कॉल सेलेक्टर्स को लेनी पड़ी है क्योंकि एक ही आप लेफ्ट आर्म स्पिनर आप खिलाएंगे, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाने किसी भी 11 में बहुत मुश्किल होते हैं। तो उसी के तहत मुझे लगता है कि ये चेंज हुआ है और ये ठीक चेंज है, थोड़ा सा मैं कहूँगा खराब है अक्षर पटेल के लिए, दुख है मुझे उनके बाहर होने पर, लेकिन मेरे ख्याल से टीम के लिए ये ठीक डिसीजन है। लेकिन रितेंद्र, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, यजवेंद्र चहल पूरी तरह से छाए हुए हैं, तमाम जो क्रिकेट हमारे फैंस हैं उनका ये कहना है चहल टीम में होने चाहिए थे, अब सडनली नाम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, अश्विन की बहुत खराब फॉर्म था इस पूरे आईपीएल में, उसके बावजूद अश्विन टीम में है, हार्दिक पांड्या अपने खराब फिटनेस की वजह से टीम में है, लेकिन कोई बाहर हुआ तो टूर्नामेंट में सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहा अक्षर पटेल। जी हाँ बिल्कुल राजीव, मैं तो बहुत हैरान हूँ, अगर आपने बाहर यहाँ पे करना था तो जिस लड़के ने ज्यादा कुछ किया नहीं है उस एक्चुअली बैकिंग हिज पास्ट परफॉर्मेंसेस, पास्ट लॉरल्स, हार्दिक पांड्या, उनकी फिटनेस क्या है, वो बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं पता है, तो शार्दुल ठाकुर का आना सीधे संकेत है कि सिलेक्टर्स को भी भरोसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या हाउ ही विल फेयर इन द वर्ल्ड कप, कैसी उनकी फिटनेस रहेगी। तो अगर हार्दिक को यहाँ पे बाहर करते, शार्दुल को लेके आते, उनको गारंटी होती उन्होंने खेलना है, एक टॉप क्लास ऑलराउंडर है, मैच विनर है, और अक्षर पटेल को टीम में रखते और युजवेंद्र चहल का ना होना शुरू से ही सवालों में रहा है। तो जी हाँ, सम फ्यू गुड हिट्स बट फ्यू वेरी बैड मिसेस आल्सो, अगर हम इस सिलेक्शन की बात करते हैं। तो चलिए सभा भाई, आप देख रहे हैं ये टीम में यहाँ पर हम चुना रहे हैं, हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। थोड़ा सा मेरे लिए जो परेशानी का सबब है वो भले ही हम लाख उसमें एक्सप्लेनेशन दें कि लेफ्ट हैंडर्स होंगे तो अश्विन काम आएंगे, बट 4 साल के बाद अश्विन का टीम में आना और जिस तरह से लगातार वो लेग स्पिन गेंदबाजी करते रहे, ऑफ स्पिन गेंदबाजी मानो भूल गए। मैं अगर सेलेक्टर होता तो शायद मैं एक बड़ा फैसला लेता, अक्षर पटेल टीम में होते और आर अश्विन को मैं स्टैंड बाई में रखता। अब क्या नाम की वजह से आर अश्विन टीम से ड्रॉप नहीं हुए?
नहीं, मुझे लगता है वो निर्भर करता है कोच और कप्तान के ऊपर, किस तरह से क्या क्या आपको लग रहा है, यानी कि विराट और रवि शास्त्री की डिमांड। मुझे लगता है कि यहाँ पर वेरिएशंस हैं आपके स्पिन बोलिंग अटैक में। आपके पास आर अश्विन है जो कि ऑफ स्पिन बॉलर हैं, आपके पास रविंद्र जडेजा हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं और राहुल चहर हैं, और हम लोग बात करते आ रहे हैं युजवेंद्र चहल की। देखिए, चयनकर्ताओं ने एक महीना पहले जो टीम चुनी है उस पर विश्वास उनको दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही लगेगा कि एक महीने के बाद कोई और टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पर फिर से आप प्लेयर को बाहर कर सकते हैं। इस प्रकार से चयन नहीं होता है। आपने जो चयन किया है 15 खिलाड़ियों को, उसको आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की एंट्री इस वजह से हो रही है कि टीम मैनेजमेंट को अभी भी विश्वास है कि हार्दिक पांड्या फिट हो सकते हैं और गेंदबाजी करेंगे। अगर वो गेंदबाजी नहीं करेंगे तो उस हिसाब से एक विकल्प रखा गया है शार्दुल ठाकुर को, और उसी वजह से अक्षर पटेल को बाहर होना पड़ा। रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं सिर्फ साधा की बात का जवाब देना चाहूंगा। जैसे वो कह रहे हैं कि आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं, एक महीने में आप बार बार टीम बदलेंगे, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो क्यों ना करें। युजवेंद्र चहल जैसा मैच विनर मैन इन फॉर्म, इस समय हमारे लिए प्रायोरिटी है कि भारत वर्ल्ड कप जीते। चेंजेस हो या ना हो, आई थिंक दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी। इसका मतलब है कि आपने चयन किया एक महीना पहले, अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं। अब अपने आपको थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी जिस खिलाड़ियों के ऊपर आपने विश्वास दिखाया है, इसी वजह से आप उतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन और ये दर्शाता है चहल को पहले ही स्क्वाड में होना चाहिए था। वो अलग बात है, वो अलग बात है सोनी। यहाँ पर बहस उसकी नहीं हो रही है। मैं बहस इसके कर रहा हूँ कि 15 जो आपने चुन लिया है उन खिलाड़ियों के ऊपर आपको विश्वास दिखाना होगा। उसमें अगर आप 3-4 परिवर्तन कर देंगे तो फिर इस प्रकार की चयन कमेटी का फायदा क्या है, जो एक महीना पहले कोई और टीम चुनकर आ रही है और फिर एक महीने के बाद आपने इतने सारे परिवर्तन कर दिए टीम में। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका और राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम में जो बदलाव किए गए, ये बदलाव पूरी तरह से टीम इंडिया के हक में हो। जो कुछ कंडीशंस हमने यूएई में देखी उसको देखकर एक बड़ा फैसला लिया सिलेक्टर्स ने, हमें उस सिलेक्शन का सम्मान करना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ टीम इंडिया को बैक करना चाहिए। क्योंकि एक लंबे अरसे से हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें या ICC टूर्नामेंट्स की बात कर लें, नहीं जीते, और इस बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम विराट अपनी हसरत पूरी करें और इस हसरत के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान की हसरत भी पूरी हो। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।